हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए बहुत ही लोग सोचते हैं कि जो है पनीर बिना प्याज लहसुन के कैसे बनेगा। अच्छा, तो आज हम बिना प्याज लहसुन के पनीर बना के आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम ग्रेवी तैयार करने के लिए यहाँ लिए हैं थोड़ा सा सूखा नारियल और ये मूंगफली दाना, इसको हम थोड़ा भून लिए हैं। भूनने के बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो देखिए नारियल और ये भूनने के बाद मूंगफली दाना इसको साइड में कर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें तेल डाले हैं, इसमें डालेंगे एक हरी मिर्च और थोड़ा सा इसमें हम जीरा आधी छोटी चम्मच और थोड़ा लिए हैं ये काली मिर्च है, इसको डाल देंगे। ग्रेवी बहुत ही अच्छा तैयार होता है। अब हम थोड़ा लिए हैं अदरक, इसे भी डाल देंगे। हरी मिर्च है, तीखा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिए, इसको भी डाल देंगे। दो मीडियम साइज का टमाटर लिया है, इसे भी डाल देंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छे से सॉफ्ट कर लेना है ताकि ग्रेवी का जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा लाजवाब बन के तैयार हो। सावन के महीने में या ऐसे भी कई लोग हैं जो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, नवरात्रि में लोग नहीं खाते हैं, उस टाइम या गेस्ट आ जाए या कुछ चटपटा खाने का मन हो तो लोग सोचने लगते हैं कि हम क्या बनाएं जो बिना प्याज लहसुन के बने और स्वादिष्ट भी हो। तो आप पनीर इस तरह से बना सकती हैं। कितने लोग सोचते हैं कि बिना प्याज लहसुन के पनीर कैसे बनेगा, तो आप ये वीडियो देख करके ज़रूर पनीर टेस्टी पनीर तैयार कीजिए। तो देखिए ये मसाला जो है बहुत ही अच्छा ग्रेवी तैयार होगा। इसको अच्छे से सॉफ्ट कर लेना है। जो है हम ये टमाटर और जो मसाला डाले थे उसको भून करके और हम इसको निकाल लिए हैं। अब कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे। पनीर कुछ इस तरीके से कट करके रखे हैं, इसको हल्का हमें भूनना है, हल्का सा तेल में फ्राई करेंगे। तो जब तक पनीर भून रहा है तब तक हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल करके और जो टमाटर वमाटर भून के रखे हैं इसको बारीक मिक्सी में पीस लेंगे। इसमें आधा कप पानी डाल के बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना तैयार करना है। इसको बारीक पीस लीजिए। तो देखिए पनीर को हल्का सा भून लेना है। अब हम इसको प्लेट में निकालेंगे। तो देखिए पेस्ट बन के बिल्कुल रेडी है। अब हम कढ़ाई में मसाले को डालेंगे और इसको अच्छे से तेल ऊपर आने तक जो है भूनेंगे। थोड़ा सा इसमें तेल बचा था, आप अपने आवश्यकता अनुसार कम या ज़्यादा कर सकती हैं। अब हम मसाले को अच्छे से भूनेंगे। तो देखिए मसाला अच्छे से ये ग्रेवी पक रहा है। इसमें हम डालेंगे एक छोटी चम्मच गरम मसाला, एक छोटी चम्मच जो है पनीर मसाला है स्वाद के अनुसार नमक, और एक छोटी चम्मच जो है हल्दी पाउडर है, और एक चम्मच यहाँ हम लिए हैं एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर। इन सभी चीज़ों को हम इसमें ऐड कर देंगे, बहुत ही जो है स्वादिष्ट बनेगा। इसको अच्छे से भूनेंगे सभी मसाले को। तो देखिए मसाला अच्छे से भून गया है। अब इसमें दो छोटी चम्मच इसमें दही डाल देंगे और इसको अच्छे से फेंटेंगे। लगातार फेंटिए ताकि ये फटे ना, अच्छे से दही जो है मसाले में मिक्स हो जाए। दही से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए मसाले को अच्छे से भून लिए हैं। इसमें हम थोड़ा सा आधा ग्लास पानी डालेंगे ताकि जो ग्रेवी अच्छे से जो है मेरा तैयार हो। इसके लिए उबाल आने के लिए हम थोड़ा सा कवर कर देंगे। अब देखिए उबाल अच्छे से आ रहा है। इसमें हम थोड़ा सा क्रीम डालेंगे ताकि जो है पनीर का जो टेस्ट क्रीम क्रीमी आए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। थोड़ा सा क्रीम डाल करके, अगर आपके पास ये क्रीम ना हो तो आप इसमें मलाई जो दूध का मलाई होता है वो डालिए और उसको लगातार चलाते रहिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब अच्छे से हम इसको मिक्स कर लिए हैं। इसमें हम डाल देंगे पनीर जो हमने भून के रखा था, वो पनीर डाल के एक अच्छी उबाल आ जाए थोड़ी देर के लिए, और इसे दो मिनट पका लेंगे। तो देखिए बिना प्याज लहसुन के कितना अच्छा ग्रेवी तैयार हुआ है और कितना अच्छे से जो है पनीर बन के रेडी हुआ है। ये बिल्कुल बन के तैयार है। इसमें बारीक कटा ढेर सारा हरा धनिया मिला देंगे और बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। देखिए आपको सर्व करके भी दिखा रहे हैं। तो देखिए बिना प्याज लहसुन के लाजवाब पनीर बन के बिल्कुल रेडी है। इसको खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो फ्रेंड्स हमारे वीडियो को देखकर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारा यूट्यूब चैनल बिहार रेसिपी सीमा तिवारी है उसको सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज है उसको लाइक कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको बिना प्याज लहसुन के जो है पनीर का टेस्ट कैसा लगा। धन्यवाद।